इस बार मैं बिल्कुल कहूँगा कि बेवकूफ़ आदमी था, क्योंकि जो आवाज़ थी जेपी नड्डा जी के आवाज़ के बारे में किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता से, किसी पदाधिकारी से, किसी जनप्रतिनिधि से पूछे, सब पहचानते उनकी आवाज़, तो पूरा देश जानता है, तो आवाज़ मुझे बिल्कुल भिन्न लग रही थी, तो इसलिए मुझे तुरंत उस पर शक हुआ। तो मैंने इसलिए वहाँ पे जेपी नड्डा जी के ऑफिस भी, उनके पीए से बात करी, उनको भी सूचित किया, और आदमी बस यही था कि छोटी छोटी कुछ इस तरह की वसूली करके अपने अपराधों का अंजाम दे रहा था। और भी कुछ वसूली कर चुका है क्या कहीं इस से? बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इसके बारे में जानकारी है कि पिछली बार भी ये गिरफ्तार हुआ था राजस्थान में, वहाँ पे भी इसने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। आज मैं उसे वही बोला, मेरे कहा जब तू हर जगह पकड़ा रहा तो इस तरह के काम करके, और हर तरह समझ तो है नहीं उतनी। 4/8/24 को जो आमला विधायक हैं योगेश पंडागरे जी, उनके द्वारा आवेदन दिया गया गंज थाने में कि एक नीरज नाम का व्यक्ति है, जो नीरज नाम का व्यक्ति है वो जो 3-4 दिन से उनको लगातार कॉल कर रहा है और पैसों पैसों की मांग कर रहा है, और वो अपने आप को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है, और कार्यक्रम के नाम पर उनसे 1,25,000 की मांग कर रहा है, और QR कोड के माध्यम से पैसे की मांग कर रहा था, जिसमें साइबर सेल द्वारा उसकी लोकेशन के आधार पर उसको उत्तर प्रदेश से टीम भेज कर लाकर उसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।